सो गाइस क्रिएट करते हैं हमारा स्पेस एनर्जी होल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक सॉलिड क्रिएट करते हैं कंट्रोल वाई और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल में, सॉलिड लेयर को सिलेक्ट कर लो सबसे पहले, इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल में चलते हैं। यहाँ पे हम चलेंगे नॉइज और ग्रेन के अंदर और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं हमारा फ्रैक्टल नॉइज। तो ये फ्रैक्टल नॉइज हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइज आ गया। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट और उसके अंदर मैनिपुलेट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा दे, ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दे, कुछ इस हिसाब से हमारा एक इफेक्ट जनरेट करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से एक यहाँ से हमारा शेप टूल सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे इलिप्स टूल या फिर आप सीधा सीधा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर सकते हो। और आप क्या करोगे, डबल क्लिक कर दो रेक्टेंगल टूल के ऊपर। जैसे आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे शेप बन जाएगा। मुझे यहाँ पे स्ट्रोक नहीं चाहिए, फील चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ, फील मेरा ओके करते हैं और यहाँ से स्ट्रोक को मैं नन कर देता हूँ, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए इसलिए यहाँ पे हम नन कर देंगे, ओके डन। अब क्या कर रहा हूँ, मैं वापस एक इलिप्स टूल यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मास्क ड्रॉ करते हैं। बट अगर आपका मास्क ड्रॉ नहीं हो रहा है, सपोज ये लेयर सिलेक्टेड है और अगर आप मास्क ड्रॉ करते हो और शेप ड्रॉ हो रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा है टूल क्रिएट मास्क, उसके ऊपर क्लिक कर देना और फिर आप ड्रॉ कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा, मास्क क्रिएट हो जाएगा। और आप कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस कर दो ताकि ये आपका प्रॉपर सर्कल बनेगा। अब क्या करते हैं, मूव टूल लेते हैं और सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस मास्क को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको मूव करते हैं थोड़ा कंपोजिशन के सेंटर में यहाँ पे, और इसको वापस क्या कर देंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं एंकर पॉइंट हमारा टाइटल एक्शन सेफ ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली नियरेस्ट वे पे जहाँ पे हमें रखना है वहां पे हम उसे कैसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ ये प्रॉपरली एक जगह पे सेट हो चुका है हमारा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे सेट हो जाने के बाद मुझे अभी क्या करना है, मैं वापस एक दूसरा मास्क जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं हम लोग बराबर, और इस मास्क पाथ को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पहले वाले को मैं लॉक कर देता हूँ और इसको क्या करते हैं, डबल क्लिक करके ये सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा दो ताकि अंदर की तरफ छोटा हो, तो यहाँ पे छोटा हो चुका है। अब इसको एंटर कर देते हैं और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हम चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्ट में, तो देखो ये कुछ इस हिसाब से दिखेगा। अब दोनों के अंदर हमें क्या करना है, फेदर अप्लाई करना है, तो इसका भी जो मैं फेदर है वो अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से, तो देखो ये कुछ ऐसा फेदर बन जाएगा, जितना आपका रेंज के हिसाब से डिसाइड है वैसे ही आपको यूज करना है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा फेदर अप्लाई कर देता हूँ हल्का सा यहाँ पे, तो दोनों तरफ मेरे को क्या मिल गया, फेदर अच्छी खासी तरीके से मिल चुका है। अब क्या करेंगे, ये वाले लेयर को जो हमने जनरेट किया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सर्कल मास्क, ठीक है, उसको हम एज अ मैट हमारी नीचे वाले जो हमारे इफेक्ट अप्लाई किया है नॉइस फ्रैक्टल नॉइस का, उसके ऊपर एज अ अल्फा मैट अप्लाई करते हैं। तो जैसे अप्लाई करोगे तो अब क्या हो गया, उतने एरिया के अंदर आपको ये वीवी वाली चीज यहाँ पे मिल रही है। अब उसके बाद क्या करना है, वापस इस लेयर को सिलेक्ट करना है, फ्रैक्टल नॉइस वाले इफेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इवोल्यूशन का ऑप्शन है वहां पे ऑल्ट करके उसकी स्टॉपवॉच पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे देंगे टाइम इनटू, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 300, तो मैंने टाइम इनटू 300 दे दिया ताकि इसके अंदर कंटिन्यूस क्या मिलेगा, एक मेरे को मोशन जनरेट होते हुए दिखेगा। दूसरा चीज मुझे क्या करना है, इसको एक रोटेशन भी अप्लाई करना था, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर चलते हैं, जो रोटेशन वाला वैल्यू है वहां पे की देता हूँ मैं और आगे चलता हूँ कुछ यहाँ पे और ऑलमोस्ट मैं रोटेशन दे देता हूँ यहाँ पे 180 डिग्री देता हूँ, आगे जाके जरूरत पड़ी तो हम उसको चेंज करेंगे बट अभी के लिए 180 क्योंकि मेरा ड्यूरेशन 5 सेकंड का ही, तो 180 इज इनफ रोटेशन। तो भाई यहाँ इतना हमारा जनरेट हो चुका है। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंड सी और मैं यहाँ पे नॉइज इफेक्ट नाम देके इसको प्रीकॉम्प कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये प्रीकॉम्प हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे जो हम इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं वो हमारा है डिस्टॉर्ट में चलते हैं, ट्विरल इफेक्ट है, उसको हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल को बढ़ाते हुए जाना, तो देखो आपका ब्यूटीफुल एक रेंज जनरेट हो गया है यहाँ पे, अच्छा खासा एक ग्लो होल जैसा चीज जो हम देखते हैं, नेब्यूला काइंड ऑफ थिंग, हमारा जो एनर्जी होल है स्पेस एनर्जी होल ऐसा जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे आप रेडियस भी डिफाइन कर सकते हो, आप रेडियस जितना बढ़ाओगे उतना कम या ज्यादा जो भी आपको एक्जैक्टली चाहिए क्या कर सकते हो, वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट 30 की वैल्यू, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे देखो ये क्या होता जाएगा, इस हिसाब से कुछ लुक आपको डिफरेंट सा लुक देगा, जैसे कम करोगे वैसा
सो अपने हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन देना है, प्लस यहाँ पे आप पीस का वैल्यू जितना बढ़ाना चाहते हो उस हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो इसको। तो मैं कुछ इतना बना के रख देता हूँ, ये मेरे लिए बेटर आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। अब उसके अलावा मुझे क्या करना है, वापस चलते हैं हमारी कंपोजिशन के अंदर, और जो ये हमारा सर्कल वाला ऑप्शन है जिसको हमने एज ए मास्क अप्लाई किया है, वहां पे हमने फेदर तो डाला ही डाला था, अब उसके ऊपर एक और चीज हम डालते हैं, इफेक्ट में चलते हैं, ब्लर वाले ऑप्शन में चलते हैं, और यहाँ पे हम डालेंगे वेक्टर ब्लर। तो यहाँ पे मैं सीसी वेक्टर ब्लर चूज करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट बढ़ाते हैं। तो देखो एक अजीब सा और बेटर सा इफेक्ट आपको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा, प्लस यहाँ पे आप ऑफसेट करना चाहते हो एंगल को ऑफसेट कर सकते हो। देखो ये रेडियस को क्या करेगा, कम या ज्यादा अप्लाई करेगा, प्लस स्मूथनेस को भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कम या ज्यादा चेंज कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप स्मूथनेस यहाँ पे क्या कर सकते हो जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप चूज कर लोगे कि किसको चूज करना है एज अ, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा मेरे ड्राई जो सॉलिड वाला ऑप्शन है उसको। फिर आप क्या करो, वापस इसके अंदर जैसे आपको चेंजेस चाहिए वैसे क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अमाउंट को भी आप क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो, प्लस आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना इफेक्ट एंड मास्क। तो देखो ये बाहर की तरफ फैलने लगेगा, तो अब आप अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ थोड़ा इसको इस हिसाब से, और स्मूथनेस को थोड़ा और बढ़ा देंगे हम, क्योंकि हमें ज्यादा शार्पन नहीं चाहिए। अब एक बार बाहर आके देखते हैं, तो देखो एक थोड़ा सा वेरिएशन वाला डिफरेंस आपको यहाँ पे जनरेट करते हुए दिखेगा। चाहिए तो आप अमाउंट को यहाँ पे मैट सॉफ्टनेस को भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। सो थोड़ा यहाँ पे बढ़ाते हैं हम गाइस, मुझे थोड़ा प्रॉपर इफेक्ट चाहिए इसका, थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ, एंगल ऑफसेट थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ओके, तो ये कुछ बेटर लग रहा है मेरे को, नेचुरल है। ओके दिस इज गुड, चलते हैं यहाँ बाहर। तो ठीक है, मेरे को एक थोड़ा सा बेटर आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या करना है भाई, इसका शेड थोड़ा चेंज करना है मुझे, तो उससे भी पहले एक और काम करते हैं। मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ इफेक्ट में चलते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन हमारे कलर करेक्शन के अंदर हम जो इफेक्ट चूज करते हैं वो है काउज वाला इफेक्ट। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से देखो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, टच डाउन हो रहा है। बट वापस क्या करेंगे, इसको थोड़ा पिक करके वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और इसको भी थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, ताकि हमें जो इफेक्ट चाहिए वो प्रॉपर मिले, मुझे ज्यादा उसका व्यू नहीं चाहिए। तो हाँ भाई, ये थोड़ा मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है बेटर तरीके से। टाइटल एक्शन सेव को अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं, देखो एक बेटर लुक मेरे को यहाँ पे जनरेट होते हुए मिल रहा है। अब क्या करेंगे, एक और एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर फिर से मैं क्या करूंगा, ये कर्व वाला इफेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं कंट्रोल वी, और इसको हम कर देंगे रीसेट सबसे पहले। अब रीसेट होने के बाद क्या करते हैं भाई, इसका जो रेड चैनल है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। मुझे थोड़ा पिंकिश या ब्लूइश शेड चाहिए, नॉट पिंकिश बट थोड़ा सा ब्लूइश शेड हमें जनरेट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया है। अब थोड़ा मैं क्या करूँ, ग्रीन को भी पकड़ता हूँ, और यहाँ पे उसको भी क्या करता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ ले लेता हूँ, और यहाँ पे नीचे से थोड़ा उसको ऐड करता हूँ, तो कुछ ऐसा। बट यस, दिस लुक बेटर, ये थोड़ा बेटर लुक मेरे को दे रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा ग्लो अप्लाई करते हैं। तो हम चलते हैं इफेक्ट के अंदर, लेयर को सिलेक्ट करके रखो, यही जो मेरा इफेक्ट था जिसके ऊपर हमने कलर करेक्ट किया उसका, मतलब ग्रेडिंग अपना कलर ग्रेडिंग किया, उसी पे चलते हैं। स्टाइलाइज में चलते हैं, यहाँ पे ग्लो का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो जैसे ही आपको ग्लो अप्लाई करते हो, आप यहाँ पे क्या करो, ग्लो का रेडियस इंक्रीज कर सकते हो जैसा चाहिए। थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम करते हैं हम लोग, और ग्लो का रेडियस थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो थ्रेशोल्ड थोड़ा और कम कर देते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक इफेक्ट मेरे लिए जनरेट कर रहा है। इंटेंसिटी आप चाहो तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं थोड़ा कम करता हूँ एज इट इज, ये बहुत बेटर लग रहा है मुझे। तो यहां तक हमारा इफेक्ट बहुत ही बेटर तरीके से जनरेट होते हुए दिख रहा है। अब एक बार क्या करते हैं, इसको प्ले करके देख लेते हैं गाइस। अब आपको चाहिए कि थोड़ा, देखो ये बहुत ही बेटर लुक दे रहा है, बट मुझे चाहिए थोड़ा वेरिएशन चाहिए, इतना डिटेल वाला लुक नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा मुझे डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं वापस नॉइस के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा डार्क वाला सॉलिड है उसके अंदर क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं कॉन्ट्रास्ट का, और यहाँ पे क्या करूंगा, ब्राइटनेस को मैं थोड़ा लोअर साइड के ऊपर लेके जाता हूँ। अब बाहर निकल के देख लेते हैं एक बार। तो अब देखो ये बेटर सा लुक हमारे लिए जनरेट हो रहा है, कंटिन्यूस वाला लुक नहीं है। सो ये कुछ बेटर आउटपुट दे रहा है मेरे हिसाब से, मुझे ये बेटर लग रहा है। तो यहां तक हमारा इफेक्ट जनरेट हुआ है, प्लस आप अब उसके आगे जो भी ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब क्या करते हैं, हम हमारा एक फुटेज लेके आते हैं यहाँ पे,
इसको थोड़ा हम स्केल ओके ये प्रॉपर नहीं है तो हम क्या करेंगे कंट्रोल ऑल्ट एंड एफ। तो ये देखो प्रॉपर तरीके से क्या हो चुका है सेटल यहाँ पे हो चुका है। अब क्या करूंगा इसका ऑपेसिटी में थोड़ा लो करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑपेसिटी मैंने थोड़ा लो कर दिया है तो ये बेटर लुक दे रहा है। अब इसको भी हम थोड़ा क्या कर देंगे स्केल डाउन कर देंगे पहले तो इसको नहीं पर ये वाले इफेक्ट को। तो उसके लिए अब ये जो वियर्ड लुक दिख रहा है उसका रीजन ऐसा है कि हमने जो भी यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई किए हुए हैं एडजस्टमेंट लेयर के वो हमारी फुटेज के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे ये जो हमारे बाकी के लेयर्स है फुटेज को छोड़ के उनको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो इनको क्या कर देंगे फाइनल होल यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट करते। देखो अभी आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ थोड़ा इसका रेडिएशन यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। अब एक बार हम प्ले करते हैं कि भाई हमारा आउटपुट हमें कैसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके ये बहुत सुंदर सा दिख रहा है बट अब थोड़ा एक और चीज मुझे चेंज करनी है यहाँ पे। क्या चेंज करना है हम देखते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं नॉइज इफेक्ट के अंदर। सी गाइस ये तो ट्रायल एंड एरर में मेरे ट्यूटोरियल हमेशा ऐसा ही बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि प्री डिफाइन किया हुआ चीज यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और जो मास्क का ऑप्शन है इसमें मैं मेरा मास्क टू सिलेक्ट करता हूँ, वन को लॉक कर देता हूँ और उसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और मैं क्या करूँ अच्छा बेटर है कि मैं वन को चेंज करूं इसकी जगह पे। तो यहाँ पे मास्क पाथ वन को सूट करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम क्या करेंगे छोटा करेंगे। अभी शिफ्ट एंड कंट्रोल दबा दो ताकि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे छोटा। तो यस इस लुक बेटर ये हो चुका है। और वापस चले आते हैं कॉम्प के अंदर। तो देखो ये बैटर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। थोड़ा वापस और चेंज कर देते जो हमने यहाँ पे नॉइज और इसके अंदर अप्लाई में चेंज किया था। तो थोड़ा मैं क्या कर देता हूँ वापस इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, वैल्यूज थोड़ा कम करता हूँ यहाँ पे, इसका वैल्यू भी थोड़ा कम करता हूँ तो थोड़ा ये सामने आ जाएगा। एंड थोड़ा इसको भी लेके चलते हैं यहाँ पे आउट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाउ इट्स लुक बेटर, पर बहुत ही क्या हो गया ब्राइटर हो गया। सी गाइस दिस इज ट्रायल एंड एरर थिंग। तो आपको हमेशा इसके साथ ऐसे ही प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉपर इफेक्ट जनरेट होते हुए नहीं दिखेगा। सो नाउ आप देख रहे हो हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक जनरेट होते हुए दिख रहा है। प्लस इसके अलावा मैं क्या कर दूंगा अभी इसका स्केल साइज जो है थोड़ा हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे गुड इनफ। और एक उसके अंदर टेक्स्ट टाइप करते हैं अभी जिसे आप सिनेमेटिक टाइटल की तरह के यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ टाइप करते हैं हम लोग कैपिटल में SPACE और यहाँ पे नाम देता हूँ HOLE। अब क्या करेंगे इनको सिलेक्ट करते हैं और साइज इनका बिल्कुल सा छोटा कर देते हैं हम गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे इसके अंदर ट्रैकिंग का वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा यहाँ पे इनके बीच में। इट शुड लुक बेटर टूवर्स गाइज, बस दिस इज द मेन थिंग। जो भी आप क्रिएट करते हो उसका जितना हो सके उतना बेटर तरीके से क्या करो उसका इवोल्यूशन हमारे सामने लेते हुए आओ तो आपको और भी बेटर तरीके से वो इफेक्ट देगा। सो लेट मी सिलेक्ट हुआ ही और मैं सीधा 1000 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ओके इट्स डन। तो ये बेटर लग रहा है। अब क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ इसको सेंटर के अंदर। ओके गुड ये बैटर अलाइन हो चुका है। वापस इसका पैराग्राफ के अंदर चलते हैं और इसका कलर चेंज कर नॉट अ पैराग्राफ इनटू द कैरेक्टर। यहाँ पे मैं इसका शेड चेंज कर देता हूँ व्हाइट के अंदर। ओके गुड इनफ। और उसका स्ट्रोक जो है वो मैं नन कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए। ओके सो ठीक है ये मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है और इसके ऊपर एक मैं एक अच्छा सा इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं अंदर और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ एनिमेट में जाके ट्रैकिंग। सो वेर इज माई ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और दूसरा मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो ट्रैकिंग अमाउंट का ऑप्शन है यहाँ स्टार्टिंग में मैं इसका की बढ़ा रहा, बट देखो एंकर पॉइंट साइड में तो कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा एंकर पॉइंट इसका लेयर को सिलेक्ट कर लो और एंकर पॉइंट क्या करेंगे उसका सेंटर में अप्लाई कर देंगे जो हमारा सेंटर में एंकर पॉइंट चला जाना चाहिए। तो ये हो चुका है। अब वापस क्या करेंगे यहाँ पे ट्रैकिंग अमाउंट पे क्लिक दे देते हैं और यहाँ पे इसका ओके रीजन इज दैट अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले की यहां से निकाल दो, चलते हैं पैराग्राफ के अंदर और देखो ये साइड अलाइन है। तो ये छोटी छोटी चीज है जो आपको बहुत ही यूजफुल है। एक बार इसको यहां से अलाइन करते हैं, वापस से इसको मैं क्या कर देता हूँ सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और अब एक बार ट्रैकिंग अमाउंट बढ़ा के देखते हैं इसका। तो देखो प्रॉपर तरीके से क्या हो गया मेरा ट्रैकिंग अमाउंट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको की दे देता हूँ, चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पे और क्या करेंगे इसका अमाउंट हम कर देंगे 0 बराबर। तो ये एक बेटर लुक मेरे को यहाँ पे जनरेट दे रहा है। प्लस वापस बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे ऑपेसिटी को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक दे देते हैं यहाँ पे नॉट, बट मुझे ऑपेसिटी एनिमेट कहाँ पे हो जाना चाहिए 2 सेकंड पे ऑपेसिटी रिवील हो जाना चाहिए। इसको आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे उसका वैल्यू कर देता हूँ मैं 0। नेक्स्ट वाले को उसका वैल्यू रहेगा 100%। यहाँ पे अब क्या करेंगे सिलेक्ट करते लेयर को और यू प्रेस करते हैं तो सारे के सारे एनिमेटर्स पैरामीटर्स आपको दिख जाएंगे। उसको मैं प्रेस कर देता हूँ ओके वी आर गोइंग टू लीव इट लाइक दिस वन। जस्ट खाली मैं जो ट्रैकिंग वाला अमाउंट है उसको मैं कुछ इसको भी वैसे ही रहने देते हैं, इट विल लुक बेटर, ठीक है ना। जरूरत लगी तो हम वापस उसको की में चेंज कर सकते हैं, ग्राफ एडिटर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार अभी हमारा फाइनल आउटपुट देखते हैं कि ये कैसा दिखता है गाइस।
ओके गाइस, अभी एक और चीज चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे मोशन बहुत स्पीड में हो रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे चलते हैं कंपोजिशन के अंदर, जो हमारा नॉइज कंपोजिशन उसके अंदर यहाँ पे चलते हैं, और जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन अप्लाई किया था इसको सिलेक्ट करते, दो टाइम ई प्रेस करते, तो जो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू, मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 80, तो ये ठीक है। अब वापस चलते हैं यहाँ पे। सी गाइस, जैसे मैंने बताना है कि ट्यूटोरियल हमेशा में ऐसा नहीं है कि धड़ाम करके बन गया, हमेशा स्टेप बाय स्टेप, और मैं ट्यूटोरियल बनाते समय ही अपने आइडियाज अप्लाई करता हूँ जो मैंने अभी अभी रिसेंटली कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिएट किया हो, तो मुझे काम करने में और भी मजा आता है और उसमें वेरिएशन भी देता हूँ और जो गलतियां होती है उसको चेंज भी करता हूँ ताकि आपको बहुत बेटर तरीके से यूजफुल हो। तो अब देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट। तो नाउ यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग। सो आई होप इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन पे क्लिक भी जरूर करना ताकि आपको आगे जाते हुए नोटिफिकेशन मिलते रहे ट्यूटोरियल्स के लिए, और कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आपको मेरे चैनल से क्या क्या सीखने को मिल रहा है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय गाइस।